दिन बोला, ऐसा बोला कि बस बोला, चुप ही नहीं कर पाती है। पहली रात तो मुझे नींद नहीं आई। जब बंदा वायरल होता है तो उसको कहाँ से नींद आती है। जिंदगी जिया तो निमरा की तरह, जिंदगी जिया तो निमरा की तरह। घर पे मैं सुर्खी बोर्ड लगा के एक्टिंग कर रही हूँ ना। बोल क्या हालत है, इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि मैं कहती हूँ मुझे एक दिन का वो प्राइम मिनिस्टर बना दे। जैसे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर एक मूवी है ना, मैं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनकर सबसे पहले तो इमरान खान को धक्का दूंगी, निकलो हमारे इधर मुल्क से, और फिर मैं वहां जाऊंगी। मैं क्योंकि मैं गरीब हूँ, मुझे पता है कि गरीबों की मदद कैसे करनी है। ये तो जल्दी कुछ भी अमीर होते हैं, इनको तो कुछ पता नहीं होता कि करना क्या और क्या नहीं करना होता। तो गरीब बंदों को पता होता है गरीब ने गरीब की कैसे मदद करनी होती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल, और मेरे साथ आज मौजूद है निमरा अली, जिसको आप सब जानते हैं। किस तरह से जानते हैं निमरा अली को, इतनी शोहरत मिली तो निमरा अली को कैसा महसूस हुआ? आज निमरा अली हमारे हाथ में चढ़ गई हैं, जो कि बहुत मुश्किल से आज हमारे हाथ में आई हैं। तो हमने कहा चलो इनसे ज़रा गुजरते गुजरते कुछ सवाल कर लें, कि आप लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना कि निमरा अली को अगर इतनी शोहरत मिली है तो उसके बदले में उनको उसका उसको क्या उनको बेनिफिट हुआ है, और क्या इस तरह उनकी नकल करके बहुत सारी लड़कियां सामने आई रोड्स पर चिट चैट करती हुई कि शायद हम लोगों को भी निमरा अली की तरह का फेम मिल जाए। मगर हर किसी की लत निमरा अली की तरह नहीं चलती है। तो कैसी हैं निमरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। निमरा मुझे ये बताओ सबसे पहले कि अल्लाह ने आपको शोहरत देनी थी, ठीक है, रोड पर एक शो के साथ आपको अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बहुत इज्जत दे दी, तो कैसा महसूस हुआ उसके बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिसको इज्जत मिले और किसी को अच्छा ना लगे ऐसा तो होता क्या नहीं। कभी माइंड में सोचा हुआ था कि यार कभी भी कोई चैनल वाले मुझे मिलेंगे तो मैं इस तरह से बात करूंगी, तो कभी सोचा था? सोचा था, बहुत बार सोचा था कि कभी जाऊँ तो मेरे साथ ऐसा हो। कभी जाती भी थी तो लोग होते थे तब बोल भी नहीं पाती थी। अच्छा। लेकिन जिस दिन गई उस दिन बोला, ऐसा बोला कि बस बोला, चुप ही नहीं कर पाती। तो जब इतना अच्छा आपको फेम मिला तो उसके बाद लोगों ने जाहिर है तनकीद भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा की थी, तो कभी फील नहीं हुआ जो लोग आपके बहुत क्लोज थे उन्होंने भी आपको तनकीद का निशाना बनाया? पहले तो निमरा अली सबको बहुत अच्छी लगी, हर जगह पर निमरा अली के चर्चे होने लगे, और उसी के बाद उस निमरा अली को बहुत नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन किया गया, तो कैसा फील होता था तब? कभी जब मैं नई नई वायरल हुई थी ना तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था ये गंद है, ये है, ये वो है, बहुत ज़्यादा बोलती है, सर्दी लोगों ने आपको कहा था ना, कभी आपको पहले हाँ, अभी आपको पता है अभी मेरी एज 17 थी तब जब मैं वायरल हुई थी, अब तो फिर भी 18 की हो गई हूँ। तो कुछ लोगों ने तो निमरा की लीक वीडियोज आ गई, निमरा का ये आ गया, तब मैं देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं क्या अजीब लोग हैं कि चलो बड़े तो मैं जानती हूँ कि उनको फेम से जेलस होते हैं, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा फेम है उससे भी वो जेलस होकर इतनी गंदी गंदी वीडियोस बनाते हैं। और अक्सर तो काफ़ी शोज़ में मैं रो पड़ती थी कि लोग इस तरह के, मैंने कभी इस तरह के लोग नहीं देखे। मैं एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ हम सब आपस में रहते थे और कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। जब मैं बाहर निकली तब मुझे पता चला कि लोग ऐसे भी होते हैं, तो तब मुझे थोड़ा सा दिल ही दुख होता था कि ऐसा भी होता है। फिर मैं कमेंट्स पढ़ती थी ये क्या है, ये पागल है, हमारा सर दर्द है, मुझे देखते और मुझे ही सर दर्द कहते थे। तो फिर मैंने एक सोचा कि मेरे मामा ने मुझे समझाया कि इनकी बातों में ना आओ, ये लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर मैंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फेमस हुए 4 महीने हो गए हैं और मेरे फेमस होने का मुझे फ़ायदा आ रहा है, मेरे घर वालों को फ़ायदा आ रहा है, मुझे क्या कुछ भी नहीं चाहिए। तो जब आप उस रात सोई होगी, जाहिर है जब सुबह उठी तो आपको पता लगा होगा कि मैं वायरल हो गई हूँ, तो उस दिन कैसे फीलिंग्स थी? कैसे पता लगा कि मैं वायरल हो गई? नहीं, पहली रात तो मुझे नींद नहीं आई। जब बंदा वायरल होता है तो उसको कहाँ से नींद आती है? ये कैसे फील हुआ कि मैं वायरल हो गई हूँ ना, अब मुझे लोग पहचान जाएंगे? मैं आपको बताऊँ, जब मैं इंटरव्यू दे दिया, आप समझे मेरा इंटरव्यू ले रही हूँ, अभी मैं यहाँ से हटके उधर ही गई थी, जैसे मुझे बंदा मिला था मैंने कहा था हाँ मैं ही सेलिब्रिटी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऑटोग्राफ। यानी मैं यूँ प्रिटेंड कर रही थी कि मैं अभी से फेमस हो गई। मेरी मामा कहती पागल ना बन, पार्क में चल घर चल। तो मैं घर जाके भी चीखती रही कि मैंने इंटरव्यू दिया। मेरे जितने भी दोस्त हैं मैंने सबको कॉल कर यार कल 6 बजे मेरा इंटरव्यू लगना है, तुम सबने देखना। इस तरह फील हुआ था। सारी रात सो नहीं सकी तो मैं सर्च करती रही, हालांकि मुझे पता था कि कल 6 बजे लगना है, लेकिन मैं फिर भी सर्च करती थी कि नहीं अभी भी आ जाएगा। तो अगले जब 6 बजे थे तो मैं कहीं गई हुई थी तो मैं अपने टीवी पर नहीं देख सकी थी, मैं भूल चुकी थी कि मैंने कोई इंटरव्यू दिया। तो मेरे साथ जो मेरी कज़न थी ना पीछे, उसने कहा निमरा हमने तो एक इंटरव्यू दिया था, आओ उसको देखते हैं। मैंने कहा तू देख ले। मैंने जब उसको देखा, उसने सर्च किया और मुझे खुद लिटरली बहुत हंसी आई कि मैं ही उस पूरे शो में एक मैं ही हाईलाइट थी और थंबनेल पर मेरी पिक्चर थी। मुझे बस ये खुशी हुई कि बस मैं थंबनेल पर हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मेरे, जब मैं ट्रेंडिंग पर आई तो फिर मुझे खुशी हुई, मुझे सबने बताया, इतनी ज़्यादा मीम्स बनी मेरे पर, मुझे लोग सेंड करते थे, मैं कहती थी हाँ ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब उन्होंने मेरे लिए एक शो चलाया कि हम निमरा अली को ढूंढ रहे हैं, निमरा अली अगर ये देखते हैं तो स्क्रीन्स पर नंबर दिया है, हमसे रब्ता करें, तब मुझे थोड़ा फील हुआ कि निमरा तुम कुछ हो। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रौनक, पाकिस्तान की ये, ज़िंदगी जिया तो निमरा की तरह, ज़िंदगी जिया तो निमरा की तरह,
तो मुझे अच्छा लगा इतनी ज़्यादा तरीके से सुन के। ये बताओ कि उसके बाद आपको गाने की ऑफर हुई, बचपन से आपको ये वाला शौक था कि मैंने इस फील्ड में आना है, क्योंकि बच्चों का शौक होता है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना, आपको बचपन से उस तरफ जाने का कोई शौक नहीं था, स्टडी की तरफ कोई ध्यान नहीं था? स्टडी की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं था। हमारी फैमिली में नॉर्मली यही होता है जी, लड़की ने 14 कर लिया उसकी शादी कर लो। अच्छा, तो हमारे तो फैमिली में यही होता था, लेकिन मेरी मामा बिल्कुल भी इस टिपिकल माइंड की मालिक नहीं है। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, मेरी मामा हमें पढ़ाती थी, क्योंकि मेरी मामा को पता था कि आगे जाके मैंने अपने बच्चों से कुछ करवाना है। तो मेरी बहन ने भी जॉब स्टार्ट की थी, मेरी मामा, मेरे अंदर ये पैशन था। मेरे पापा कहते थे कि निम्रा बड़ी होकर अदाकार बनेगी, पापा यूज, क्योंकि घर पर मैं सुर्खी बोर्ड लगा के एक्टिंग कर रही हूँ ना, मेरे पापा कहते थे कि ये तो है ही अदाकार। तो पापा की ये सोच थी, और लेकिन मुझे यही था कि मुझे एंकर बनना है, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि ये फील्ड शोबिज से ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी इज्जत तो मिल जाती है। एंकर आपको पसंद था? किसी को आइडियलाइज किया हुआ था आपने? अनम है, वो अनम है, जियो में होती थी। अच्छा। लेकिन वो जियो पर रमज़ान ट्रांसमिशन करती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह बनूं। तो आप रमज़ान जैसे आ रहा, तो आपको रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए किसी ने नहीं बुलाया? नहीं, एज अ होस्ट, एज अ होस्ट नहीं बुलाया, एज अ गेस्ट जरूर बुलाया। किसने बुलाया गेस्ट? यासिर शामी ने। अच्छा, आप यासिर शामी के शो में दोबारा जा रही हो, आपका मामला ठीक हो गए? मेरे मामला उनसे हमेशा के लिए ठीक थे, लेकिन कुछ वक्त आता है जब आपको बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो मुझे कोई कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने मुझे धमकाया, भड़काया और शो करवा लिया, लेकिन फिर मेरी बाद में उनसे बात हुई तो मैंने उनसे सॉरी कहा, और उन्होंने कहा मुझे पता है तुम अभी बच्ची हो, लोगों की बातों में आ जाती हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलूँगा। फिर मेरी उनसे मुलाकात वगैरह हुई तो हम वापस एक हो गए। मेरा मतलब है, ठीक है, मुझे बताओ कि अब आप गाने में तो आ गई हो, आगे किसी सीरियल में, ड्रामे में, किसी मूवी में कोई ऑफर हुई अब तक? हुई थी होती है। अच्छा, तो ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं, ऑडिशन कर लेते हैं। करेक्टर मुझे नहीं, कभी कभार मैं चाहती हूँ कि मैं हर करेक्टर में जाऊँ, मैं नहीं ये कहती कि ये ऐसा करेक्टर होगा तो मैं नहीं जाऊँगी, ऐसा करेक्टर होगा तो मैं नहीं जाऊँगी। हम टीवी से मुझे ऑफर आई और मैंने वो इनकार कर दी, तो वो कोई वजह ही होगी ना जो मैंने इनकार की। तो लड़कियों को इस फील्ड में हैरेस किया जाता है? हाँ, कभी इस तरह का कोई नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड खुद बंदा अगर चूज करता है ना, तो उसको पता होता है कि उसने कैसे चलना है। फ्यूचर में खुद को कहाँ देखती है? खुद को अभी तो कहीं नहीं देखती, बस देखती हूँ कि बस जो होना अल्लाह करेगा। क्या लगता है आपको कि आप एक्टिंग में सही जाओगी, होस्टिंग में सही जाओगी, या अगर कोई आगे ड्रामा वगैरह मिल गया उसमें आप अच्छा काम कर सकती हो, किस चीज़ में अपना अच्छा आपको लगता है कि आप? मैं आपको बताऊँ, मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि मैं कहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं अगर मुझे ड्रामाज आते हैं तो मैं अपना बेस्ट दूंगी, तो मुझे लगता है कि मैं उसमें भी बहुत अच्छा जा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है इन कामों के लिए। तो अगर मैं एंकर या होस्ट बनती हूँ, तो अगर अभी से मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरी 18 साल उम्र है, तो 24-25 साल की उम्र में मैं तो बहुत अच्छी बन जाऊँगी, तो मैं तो खुद को बहुत अच्छी जगह देखती हूँ इंशाल्लाह। अगर चाहे तो आपको तो सियासी पार्टी की तरफ जाना पड़े तो कौन सी पार्टी में जाओगी? सियासी जो होते हैं नवाज शरीफ जो है, मैं आपको बताऊँ, मैं तो मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मेरा यहाँ से मानना है कि जब नवाज शरीफ के दौर, मुझे हालांकि कुछ भी नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि नवाज शरीफ के दौर में 40 रुपये किलो चीनी होती थी, जो कि मैं खुद अपने हाथों से लाया करती थी, और इमरान खान के दौर में मैं 126 रुपये की चीनी अपनी मामा के साथ जाती हूँ ग्रोसरी करने, तो वहाँ पर अब 126 रुपये, ना 10 ना 20 ना 30, पूरे 60-70 रुपये उसने ऊपर कर दिए। तो आप नवाज शरीफ की पार्टी में? ऑफकोर्स। अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं इस टाइम, इनको आपने जल्दी से एक सांस में बयान करना, जिस तरह आप तेजी से बोलती हो ना, जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, उनको जल्दी से। मुल्क के हालात इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि मैं कहती हूँ कि मुझे एक दिन का वो प्राइम मिनिस्टर बना दे, जैसे एक दिन का प्राइम मिनिस्टर एक मूवी है ना, मैं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनकर सबसे पहले तो इमरान खान को धक्का दूंगी, निकलो हमारे इधर मुल्क से, और फिर मैं वहाँ जाऊँगी, मैं, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मुझे पता है कि गरीबों की मदद कैसे करनी है, ये तो जद्दी कुछ भी अमीर होते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि करना क्या और क्या नहीं करना होता, तो गरीब बंदों को पता होता है गरीब ने गरीब की कैसे मदद करनी होती है, तो मैं एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, इसको ठुड्डा कराऊंगी और खुद आऊंगी कुर्सी पर बैठूंगी और हालात अच्छे कर दूंगी। और एक दिन के बाद किसको प्राइम मिनिस्टर बना खुद को? नहीं, एक दिन के लिए बनोगी ना? एक दिन के लिए बनूंगी प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ भी कर सकता है, जब मैं अच्छी करें, जब एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगी, फिर लोगों को पता चल जाएगा इसने हमारा भला किया, तो वो सारे पकड़ के मुझे वोट देंगे, तो अगला बंदा कौन बनेगा? मैं आने वाले कल में प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहती हूँ। जी, तो हमारे साथ निम्रा थी, जो आपके सामने बहुत तेजी से इस तरह ही बोलते बोलते कहाँ की कहाँ पहुँच गई, और हम लोग हमारी बेस्ट विशेज है निम्रा के साथ कि आने वाले फ्यूचर में भी निम्रा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।